गाइस, आई एम इंटरेस्टिंग एम एस एंड वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, मैं आया था अपने पापा का स्कूटर नहीं गाड़ी लेके। तो ये है मेरे पापा की गाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों आया भाई, क्योंकि भाई मेरे गन में ना एमओ ख़त्म हो गई थी, इसलिए गाइस मैं ना एमओ लेने आया था। और गाइस बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी भाई फिर से गैंगस्टर 4 की सीरीज शुरू करो, तो फिलहाल तो इसकी गाड़ी लेकर नहीं अपने पापा की गाड़ी है। अब भाई मतलब यार अभी अभी वीडियो शुरू की है, बिल्कुल इस टैक्सी वाले को मारो, पुलिस वाले का कत्ल कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल गाइस मुझे ना अभी अभी कैरन का कॉल आया था, और कैरन वो ही अपना हमें नौकर समझ के कह रही कि भाई जल्दी आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट काम है। मैं पूछता हूँ यार तू फ़ोन पे क्यों नहीं बता देती, तो वो कहती है जल्दी से आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो बस सबसे पहले तो मैं उस पुलिस से पीछा छुड़ाता हूँ, क्योंकि एक साल की तो पुलिस है, और फिर बात करेंगे। तो बस अभी अभी पुलिस भी छूट गई। और गाइस मैंने ना कैरन को दोबारा से कॉल किया था कि कैरन भाई तू ना, मतलब कैरन बहन तू ना साफ साफ बता दे कि तेरा काम क्या है। तो भाई उसने मुझे बता दिया कि एक रॉबरी करनी है, और वो भी बैंक रॉबरी नहीं, कैसीनो रॉबरी। और गाइस आप तो जानते ही होंगे कि कैसीनो में कितना ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, कितने ज़्यादा बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो फिलहाल तो गाइस मैं एमओ इसलिए भरवाने गया था, मतलब पहले एडिटिंग करके वो लगा दिया था इसलिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं चलता हूँ कैरन के पास, उससे पूछेंगे भाई क्या प्लान है, फिर चलेंगे। अब भी यार एक तो ये अमीर हो के लग्जरी गाड़ी लेके पता नहीं क्या समझ रहा अपने आप को। तो चलो गाइस अभी मैं कैरन ने जहाँ पे मुझे बुलाया था मैं वहाँ तो आ गई, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कैरन नहीं दिख रही है। तो जल्दी से कैरन को कॉल करते हैं, और फिर उससे बात करते हैं कि भाई कहाँ पे इतनी अर्जेंटली वो बुला रही थी, और खुद तो आई नहीं। तो गाइस इस वीडियो को मैं रखता हूँ लाइक है सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स। ओके गाइस होप आप सभी कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 20 तो मेरे व्यूज़ ही आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जल्दी से कैरन से बात करते हैं। तो गाइस अभी अभी ना मैंने ना कैरन से प्लान पूछा भाई, पहले तो कैरन भाई तू प्लान बता, मतलब बहन तू प्लान बता। तो गाइस उसने बताया कि प्लान कुछ भी नहीं है, बस हमें कैसीनो में जाके लोगों को मारना है, चाबी लेनी है और पैसे चोरी करके आ जाना है। लेकिन गाइस इसमें पुलिस को एस्केप करना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और गाइस मैं ना अभी अभी मैकेनिक के पास भी गया था, और कुछ टूल्स लिया था ताकि ये जो गाड़ी है जब रास्ते में ख़राब हो मैं इसे आराम से ठीक करवा लूँ। तो फिलहाल तो यार मैं उल्टे लेन पे आ गया, इसे अपने लेन पे चला था। अब छोड़ यार कोई बात नहीं, हम भाई गैंगस्टर है, गैंगस्टर ऑफ द सिटी है हम कैसे भी चलाए क्या जा रहा है। तो चलो गाइस अभी फाइनली हम पहुँच, वो कितनी तगड़ी गाड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फालतू की बातें छोड़ कर। तो गाइस अभी मैं कैसीनो के बाहर आ चुका हूँ, और मैं सीधा फाइट ही मार दो, मैं गोली चला देता हूँ। तो बस मैंने ना अभी गोली चला दी थी, तो एकदम से ना ये लोग भड़क गए। तो अभी फिलहाल तो मुझे इन्हें ना मारना नहीं है, इन्हें मारना नहीं है। तो बस अभी मैं ना सीधा जाने वाला हूँ अपने उसके पास, क्या कहते हैं किसके पास, क्या वो यार, एक तो ना मैं ना इनसे थोड़ी मेडिकेट लेता हूँ, मतलब इनके जिम में ना मेडिसिन थोड़ी सी पड़ी रहती है, इसलिए इनसे थोड़ी सी मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। एक तो यार मामला बहुत ख़राब हो रहा है, पहले मैं गाइस मैं इसकी की लूँगा, इस बंदे के पास गाइस की है, इससे मतलब ताले की है। तो बस इससे तो पहले मैं की लूँगा। तो चलो गाइस अभी मुझे की मिल गई, और उसके बाद अब मैं लेने वाला हूँ किसी बंदे को मार के मेडिकेट या जो भी, इससे ले लेता हूँ। तो चलो भाई अभी फाइनली अभी नहीं मिली। अच्छा तो गाइस कम से कम मुझे 5-6 बंदे मारने पड़ेंगे, फिर उनकी जेब में से मैं चेक करूँगा कि किसी एक की जेब में से निकल जाए मेडकिट, तो फिर खेलेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने 10 बंदों को मार दिया, और गाइस 10 बंदों को मारने के बाद ना गाइस उनसे ना मुझे वो मिल चुकी है, मतलब उनकी जेब में थोड़ी सी मेडिसिन पड़ी हुई थी जो कि मैंने गाइस उठा लिया। तो गाइस अभी फ़िलहाल हमारे पास गाइस 8 मेडिसिन हो चुके हैं, यानी कि गाइस अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है तो हम सीधा अपनी मेडिसिन लगा के ठीक हो सकते हैं। तो फिलहाल तो यार पुलिस हमारा बाहर इंतज़ार कर रही है, और थोड़ी सी पुलिस अंदर भी आ गए हैं। एक इन दोनों को यार क्या चुन मची, अपने मजे करो, मन तो करें इन लोगों को ना रिश्वत खिला दो, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। ये रहा इस वक्त तिजोरी, जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, फिर सारा पैसा लूटेंगे। और गाइस एक मिनट, और यहाँ से गाइस मुझे लग रहा है कि वो लोग आ जाएंगे, पक्का पता है मुझे, पक्का।
और यहाँ पे गाइस ये देखो कितना सारा पैसा। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, ये सारा पैसा हमारी करण का होने वाला है। और भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने सोचा था वो लोग आ गए हैं अभी। गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पे कवर ले लिया, लेकिन फिलहाल मैं भी इन्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि हमने भी गाइस कोई कच्ची गोली नहीं खेली है, हमने पक्की गोली खेली है। तो जल्दी से मैं कवर ले लेके इनको मारता हूँ। तेरी भैंस की टांग निकल भाई, भैंस की टांग भाई यार, इतनी सारी गोलियाँ खा के यार बहुत तगड़ी वेस्ट पहन रखी है गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा तगड़ी वेस्ट पहन रखी है। फिलहाल ये जो है ना, ये वाले ऑफिसर ये तो जब भी थोड़ा सा जल्दी मर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लैक वाले थे ये तो भाई कतई एकदम से मार ही डाला था। और इसने पता नहीं हैकिंग वैकिंग करके पता नहीं क्या करा है। तो गाइस अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी गाइस हमारे बाहर लाखों की तादाद में नहीं सिर्फ 10-5 पुलिस खड़ी हैं, और वो भी हमें मारने के लिए। तो गाइस मे भी, तो गाइस वैसे तो हम यहाँ के गैंगस्टर, और मुझे पता है कि हम कोई भी अपने प्लान में फेल नहीं होने वाले हैं। और वैसे भी अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं वीडियो को ही डिलीट कर दूँगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं फेल नहीं होने वाला हूँ। और गाइस अब हमें पुलिस का एस्केप करना है, उससे पहले गाइस मैं थोड़ा सा जूस पी लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने देखा कि यहाँ पर जूस नहीं मिलता, यहाँ ये पता नहीं क्या खिलौना है, मतलब गेम है कोई। तो गाइस जल्दी से बाहर चलते हैं, और मुझे तो अभी यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पुलिस का मन तो कर रहा है सबको मार कर ही जाऊँ। और भाई जल्दी से बैठ भाई जेसन। और फिलहाल तो मेरे पास थोड़ी सी मेडिसिन बची हुई है, जो कि मैंने आपको याद होगा उन बॉडीगार्ड से, मतलब जो भी वो था उनसे लेकर ली थी। तो अभी तो फिलहाल गाइस सामने से पुलिस वाले आ रहे हैं, और ये ट्रक अभी यार एक गैंगस्टर अपना एस्केप करा और तुम अपनी गाड़ियाँ बीच बीच में ला रहे हैं। और एक तो ये ना पूरा रोड यार खाली मिलना चाहिए यार, हट यार, मेरे पीछे 3 स्टार की पुलिस पड़ी हुई है और तुम मजाक करने के मूड में यार। सबको आज ही मेरी गाड़ी के सामने आना है। गाइस सच बताऊँ, जब मैं पहले खेल रहा था ना, जब कोई भी नहीं आता, तो गाइस अभी ना फिलहाल ना मुझे एक लंबा रोड पकड़ना है ताकि मैं जा सकूँ कहीं पर, मतलब सीधा चलाते हैं ना तो फिर अपने गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। और फिलहाल तो सामने अभी वो है पागल यार। अब तो गाइस अबे यार गाइस मैंने गाड़ी से बाहर कूद गया, जो कि गाइस मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो गाइस फिर ना इन लोगों ने मुझे फिर से वो पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गाइस फिर मैंने सोचा अपना कैसीनो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाइस कैसीनो को छोड़कर सारी जगह पुलिस घूम रही थी, क्योंकि कैसीनो में जब भी रॉबरी होती थी। तो गाइस मैं ना वहीं से जा रहा हूँ। एक तो यार इसकी बाइक अगर मेरे पास होती ना गाइस, सच बता रहा हूँ अभी तक मैंने एस्केप कर चुका होता, क्योंकि गाइस ऐसी बाइक हायाबूसा फेल, पता नहीं क्या नाम है उस बाइक का। और सबको यार आज ही बीच में आना है, कल आ जाना, कल मैं तुम्हें पैसे खिलाऊँगा, 50 रुपये काटा था, लेकिन मेरे सामने आ गया। अभी तो यार फिलहाल वो एक आइडिया, मैं ना रैम से ही कूद जाऊँगा, एक बार देख लेते हैं रैम के आगे क्या है। अबे नहीं यार, रैम के आगे पानी, अगर तू नहीं हो पाया ना दक्षु, आई मीन दक्ष, मतलब मेरा निकनेम है दक्षु, किसी को बताना मत। तो यार जल्दी से एस्केप करना है। फिलहाल तो गाइस ये थोड़ा ना हरा भरा सा एरिया, यहाँ पे गाइस ज़्यादा वो हो सकते हैं। तो गाइस मेरी जो गाड़ी है ना, वो बार बार इतनी बुरी तरीके से ठुक रही है। तो जल्दी से गाइस अब मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। और ये गाइस राइट में आप जैसे कि देख ही सकते हो हमारा घर है। और गाइस मैंने पता इतने दिनों से गाइस ये वाली वो मतलब अपना घर नहीं देखा था, इसलिए मैं अपने घर को भी भूल गया था। लेकिन गाइस अब जो है मुझे अपना घर जो है याद आ गया है। तो फिलहाल तो यार गाइस ये वाली गाड़ी ने गाइस इतनी बुरी टक्कर दी है, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि गाइस मैं जीत पाऊँगा। तो गाइस मैं ना कोई ना लोकेशन मार्क कर लेता हूँ, तो गाइस उस लोकेशन के हिसाब से गाइस मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस, नो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल लोकेशन भी मार्क हो गई। अब गाइस मैं बिना ब्रेक दबाए, अगर थोड़ा बहुत ब्रेक दबाऊँगा, बिना ब्रेक नहीं दबाए मैं जाने वाला हूँ सीधा ऐसी जगह पर, मतलब ऐसे चले आएंगे, एस्केप ही तो कर रहे हैं। ये भी कुछ बात है यार, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। गाइस मैं पुलिस को एस्केप करो और तुम मजाक कर रहे हो, ये मजाक हो रहे हैं नहीं, मतलब ये मजाक हो रहे हैं। अच्छा मजाक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप सीरियस हो ना, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो रूड हो गए, डोंट बी रूड। अप्पल चप्पल टॉयलेट में मेरी बात,
तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ अब यार, मैं तो भूल ही गया था मैं पुलिस का एस्केप कर रहा हूँ। तो कैसे अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और फिलहाल तो मुझे इन सबको एस्केप करना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरी जो गाड़ी है उसका वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसे अभी अभी ठीक किया है। तो जल्दी से मैं पुलिस को एस्केप करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गए। तो गाइस मैंने अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ भगा लूँ, मतलब एक ऐसी सुनसान सी रात जैसी सी जगह पर आ गया, लेकिन गाइस ये जो लोग हैं मेरा ये पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो जल्दी से यार कोई तो पीछा छोड़ दो यार, एक तो शायद मैंने इनके पास जा रहा हूँ यार। ये गाइस पता नहीं ने मेरी लोकेशन कैसे मिल रही है, इसको ना यार मन तो कर सबको ना उतर के मारूं, सब मेरे पीछे आ गए। देखो जितने भी पुलिस वाले थे, ये देखो हेलीकॉप्टर वगैरह सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो अब पता नहीं क्या होगा, इतना परफेक्ट इससे गाड़ी मतलब एक बाइक मिल जाए और एक सीधा बिल्कुल सीधा रोड मिल जाए, तो उसमें तो गाइस सच बता रहा मैं आराम से पुलिस को एस्केप कर दूंगा। तो एक तो गाइस यहाँ पे ना एक पत्थर था जिससे मेरी बहुत बुरी वाली टक्कर हो गई है, लेकिन गाइस अब पता नहीं है कि क्या होगा क्योंकि गाइस मैं इतनी देर से अपनी गाड़ी को भगा रहा हूँ। चलो भाई फाइनली फाइनली फाइनली, और गाइस यहाँ से दूर रहना क्योंकि गाइस आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर जो है गाइस मिलिट्री बेस है। तो गाइस अभी जल्दी से मैं जाता हूँ सीधा करण के पास, क्योंकि गाइस करण हमें फंसा के वहाँ से चली गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ही है वो, लेकिन हमें वो थोड़े से पैसे भी देगी जो कि हमने चोरी की थी। तो जल्दी से मैं चलता हूँ करण के पास, और यहाँ पे एक भंगार वाली गाड़ी खरीदी थी लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो गाइस अभी जितने हमने मेहनत की उसके लिए गाइस आप एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो। तो गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक ही चीज़ मिलेगी जो कि है दुआ। तो वैसे अगर आपको दुआ चाहिए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, वैसे मत भी करना मैं और कमेंट कर लीजिए मत करना। तो चलो गाइस कोई बात नहीं, फिलहाल ना करण अभी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि करण गाइस बहुत धीरे भागती है, मतलब उसके पैरों में ना फ्रैक्चर एक तरह से समझ लो। और भाई तू निकाल ले भाई, नहीं तुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है ना, तू निकाल ले। आज सबको पता नहीं ज़्यादा ट्रैफिक का क्या बुखार चल रहा है, तो अभी चलो इससे बात करते हैं कि क्या मामला है। तू अकेले तो हमें छोड़ के चली गई थी और हम बेचारे थे उम्मीद में कि तू भी हमें भगा ले जाएगी, लेकिन इसने हमें धोखा दे दिया। तो चलो गाइस अभी मेरे उससे बात हो गई और गाइस उसने मुझे दिए 3 डायमंड, मतलब इन डायमंड को वो करके देखेंगे कि इनकी कॉस्ट क्या है। लेकिन गाइस आप ना मुझे कमेंट में बाद में बता देना कि भाई हाँ इसे कर दे, फिलहाल तो पता नहीं ये किस किस का कॉल आ रहा है जिसे मैंने गलती से उठा लिया, लेकिन अभी फिलहाल गाइस मुझे ना किसी से बातें नहीं करनी। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।